वेलकम बैक टू न्यू वीडियो दोस्तों, मैं राजू गुप्ता और आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल आरजी ब्लॉग में। मैं आज आप लोगों को खेतों में गेहूं के बीज किस तरह से बोया जाता है इस बारे में बताऊंगा। और आज मैं अपने खेत में आया हूं और ये दूसरी जगह है, थोड़ा अकेले और सुनसान जगह में है ये मेरा खेत, तो यहाँ पर मैं गेहूँ के बीज बोने आया हूँ। आप देख सकते हैं ये, तो किस तरह से खेतों में गेहूँ के बीज की बुवाई की जाती है इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो में पूरा समझ आए कि खेती गेहूँ की कैसे की जाती है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए वीडियो में। तो गेहूँ का बीज कुछ तरह इस तरह से हमने बना लिया है बोरी का, और इसमें हमने गेहूँ भर लिया है और इसका हमने एक कंधे पर ऐसे टांग लिया है और गेहूँ का बीज इसमें हमने भरा है। तो आप लेफ्टी हो या राइट, जिस हाथ से आपको काम करना अच्छा लगता है उसी हाथ से आप गेहूँ के बीज इसमें हाथ डालकर ऐसे पकड़ें और इसे पकड़ के बाहर निकालें और कुछ इस टाइप से हाथ करके ऐसे ऊपर साइड से आप गेहूँ के बीज ऐसे छिड़काव कर सकते हैं खेत में। और ऐसे छिड़काव करते करते आप आगे बढ़ते जाइए, स्टेप बाई स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए और गेहूँ का बीज आप लोग बड़े आराम से अपने खेतों में बो सकते हैं। इसके बीज आप बोएंगे तो गेहूँ भी अच्छे से खेतों में बराबर मतलब बीज पड़ेगा और फसलें भी अच्छी होगी और आपको जल्दी भी होगी इस तरह से गेहूँ के बीज बोने में। वैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं गेहूँ के बीज की बुवाई करने की, लेकिन ये देसी जुगाड़ है और ये अक्सर हमारे फैजाबाद यूपी में इस तरह से गेहूँ की बुवाई की जाती है। तो वीडियो आप लोग देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर गेहूं के बीज की बुवाई कर सकते हैं खेतों में। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे गेहूं के बीज की बुवाई कर रहा हूं। इस तरह से आप हाथ चलाते जाइए और पूरी में से गेहूं निकालते जाइए और आराम से आप गेहूं के खेत में बुवाई कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही जल्दी काम भी हो जाता है। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ डाया खाद किस तरह से दिखता है और कैसा होता है। तो कुछ इस तरह से डाया खाद है जो दिखता है, आप लोग देखिए कुछ इस तरह से काले काले दाने हैं डाया खाद के, और ये एक बोरी में 50 केजी डाया खाद आती है और इसका प्राइस प्राइवेट में अगर आप प्राइवेट दुकान पर लीजिए तो 1250 रुपये में पड़ता है ये दानादार। और गेहूं के फसल में इसके अलावा एक और खाद पड़ती है जिसको यूरिया कहते हैं, तो वो इस प्रकार से कुछ दानेदार आते हैं सफ़ेद कलर में, वाइट फुल वाइट, और इसका प्राइस है 290 रुपये। तो इसी दोनों को मिक्सचर करके हमने गेहूं के खेतों में छिड़काव किया है। अभी आपने देखा किस तरह से गेहूं के बीज खेतों में बोया गया था, तो सेम प्रोसेस गेहूं बोने के टाइम अगर आप गेहूं की फसल अच्छी चाहते हैं तो उसमें कुछ केमिकल खाद जो है डालना पड़ता है, जो कि हमारे हर जगह विलेज में उपलब्ध हो जाती है सोसाइटी में, तो वहीं से हम लेकर आए हैं डाया खाद और यूरिया। तो मैं डाया खाद की भाव बता दूँ, प्राइवेट से मैं लेकर आया था तो 1250 रुपये की डाया की बोरी पड़ी थी और 290 रुपये की यूरिया खाद आती है, सफ़ेद दानादार होती है, तो वो मैं लाया था। और उन दोनों को मिक्सचर करके हम गेहूं के खेत में डाल रहे हैं ताकि गेहूं की फसल थोड़ी अच्छी हो और ज़्यादा मतलब पैदावार हो, इसके लिए हमने इस खाद का प्रयोग किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम जो है गेहूं के खेत में इस खाद का छिड़काव करेंगे ताकि फसल अच्छी हो। तो मैं सेम प्रोसेस आपको दिखाता हूं, अगर खाद आपको छिड़कना है गेहूं की बुवाई करते वक्त तो किस तरह से आप करेंगे मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूं, देखते रहिए। कुछ इस तरह से आप खाद का छिड़काव कर सकते हैं अपने खेतों में, आप ऐसे आगे चलते जाइए और गेहूँ के जो आपने बोया है खेतों में उसी तरह से आप खाद भी अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं गेहूँ की फसल अच्छी करने के लिए। तो इसी तरह से गेहूं की फसल यहां पर सिंपल तरीके से की जाती है। आपके यहां किस तरह से फसल होती है गेहूं की, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और
कुछ इस तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं है, तो सिंपल तरीके से हम लोग गेहूँ की पैदावार करते हैं और ठीक ठाक खेती हो जाती है, गेहूँ पैदा हो जाता है। अभी हमने धान की खेती की थी तो वो कट गया है, कट के मतलब पीट 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 उठ के सब घर पे पहुँच गया है, तो अभी मौसम है गेहूँ की खेती का, तो इसीलिए हम खेतों में आए हैं। ये हमारा लास्ट खेत है, अब यहाँ पर गेहूँ की बुवाई हो जाएगी, उसके बाद कोई भी खेत नहीं बचा है, पूरा हो गया। उसके बाद खेती पर ब्लॉग वीडियो नहीं आएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को कुछ अच्छी वीडियो बना कर दूंगा, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।